हम क्यों इंटीग्रेट करना चाहते हैं, आखिर हमारा पर्पस क्या है, एंड क्या बेनिफिट हैं जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ टीचिंग है और आईसीटी वाले वो में। थोड़ा सा और पहले अनीता, थोड़ा पहले जी तो ये जो है, थोड़ा और पहले, ये तो बाद हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा पहले जाना है, सेकेंड थर्ड स्लाइड में भी, मैम, एक्सपोर्ट ये सब हम आगे जाते जा रहे हैं, पीछे जाना है हमें। एक बार और, हाँ ठीक है। सो व्हाट हो गया हमने, कि पर्पस क्या है हमारा, थीम और टॉपिक हम क्या कवर करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम क्यों करना चाहते हैं, व्हाट व्हाट इज व्हाई, व्हाई डू वी वांट टू डू इट। तो जैसे मैंने बोला कि हमारा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग लर्निंग है जिसमें हम आईसीटी यूज नहीं करते हैं, उसमें और इसमें क्या अंतर है, ये हमें देखना होगा। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा किसके लिए हम करना चाहते हैं, हमारा टारगेट ग्रुप क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है हमारे, कि किसके लिए हम करना चाहते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज कि हाउ, हम कैसे करना चाहते हैं, कि टाइप ऑफ रिसोर्स क्या हम यूज करेंगे, ई कंटेंट कौन सा यूज करेंगे, कौन से टूल्स यूज करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है हमें जानना। नेक्स्ट सो अब इन चीजों को लेकर के जब हम लेते हैं, तो हम हमें अब पता है कि हम आईसीटी इंटीग्रेशन क्यों करना चाहते हैं, किस चीज के लिए करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं, और हम कैसे करना चाहते हैं। तो ये चार सवाल हमें एकदम क्लियर होने चाहिए, कि तभी हम किसी भी सब्जेक्ट में आईसीटी का अच्छे से इफेक्टिवली जो है हम उसमें इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो मतलब कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आईसीटी जो है उसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो, क्या आप सुन सकते हैं मेरी आवाज क्लियरली, एनीबॉडी? हाँ ठीक है, तो मैं ऐसे ही बोल लेती हूँ। तो ये जो है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन टीपैक मॉडल है कि कोई भी पर्सन जो है वो कैसे एक अच्छा टीचर जो है वो कैसे, या एक अच्छा सब्जेक्ट एक्सपर्ट एक्सपर्ट एनीबॉडी कैसे वो आईसीटी को इंटीग्रेट कर सकता है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें, उसके प्री रिक्विजिट्स होनी, क्या क्या चीजें उसके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है वो होना चाहिए उस पर्सन के पास। देन उसका जो कंटेंट नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, एंड देन पेडागोजिकल नॉलेज होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का ये मतलब नहीं उनको बहुत ऐसे आईटी प्रोफेशनल होना चाहिए, हम सब जैसे हैं कि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बनाने आना चाहिए, थोड़े वीडियो रिकॉर्ड करने आना चाहिए, थोड़ा एडिट कर लिया, थोड़ा टेक्स्ट डाल लिया, थोड़ा ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। कैसे ऑपरेट करना है हमें आईसीटी की, ये जैसे कंप्यूटर है या बाकी और चीज़ों को, वो हमें थोड़ी सी चीज़ें आनी चाहिए, हमें कंफर्टेबल बस होना चाहिए। देन हमारे पास अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, हम सब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं तो हमें उसका नॉलेज होना चाहिए, एंड देन पेडागोजिकल नॉलेज, हम सब टीचर्स हैं तो हमें पता होता है कि कैसे किसी टॉपिक को हमें पढ़ाना है, कि अगर हम वाटर रिसोर्स पढ़ा रहे हैं तो हमें किस तरीके से अप्रोच करना है, अगर हमें कुछ पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ानी, कोई टॉपिक पढ़ाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और मेल फीमेल रेशियो जो है वो सब, तो उनको हमें उस टॉपिक को अप्रोच कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें ध्यान में देनी है, और ये तीनों नॉलेज जो है उसका जब मिलता है तो वो एक जो है अच्छा सा एक जो एक्सपर्ट होगा, देन दैट एक्सपर्ट इज रेडी फॉर क्रिएटिंग अ ई कंटेंट, एनी कंटेंट, या इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी। तो ये जो चीजें हैं, ये टी पैक मॉडल बहुत ही कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट इज दिस इज ये हाँ टाइप ऑफ ई कंटेंट। अब जैसे ई कंटेंट के बारे में चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो ई कंटेंट कुछ भी हो सकता है, मैप हो सकता है, चार्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, इंफोग्राफिक, जैसे ये अभी आपकी स्क्रीन पे आपको इंफोग्राफिक दिख रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयास। तो रादर देन हम ऐसे टेक्स्ट में ऐसे बुलेट पॉइंट्स में करने के बजाय हम अगर ऐसे शो करते हैं तो वो है, वो ज्यादा इफेक्टिव लगता है देखने में। हमें बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन
इन्फोग्राफिक मतलब ग्राफिक्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो दी रहती है, हम न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं, हम मैगजीन्स में भी देखते हैं, बुक्स में भी देखते हैं इन्फोग्राफिक, मतलब इंफॉर्मेशन जो ग्राफिक्स के फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया रहता है, दिया रहता है, तो वो जो है वो इस तरीके की चीजें हम यूज करते हैं। और इन सबको सबको एनीथिंग जो भी डिजिटल फॉर्म में होता है वो एवरीथिंग कैन बी कॉल्ड एन ई कंटेंट। वो जैसे टेक्स्ट अगर डिजिटल फॉर्म में है तो वो भी एक ई कंटेंट हुआ, ई टेक्स्ट के फॉर्म में। तो ये सब कुछ ई कंटेंट होता है जो भी डिजिटल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो है एक ई कंटेंट डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसको हम एडी मॉडल कहते हैं, और ये शो करता है कि कैसे क्या स्टेजेस हैं जिनको हमको अप्लाई करके और इंटीग्रेशन हमें मतलब कैसे हम ई कंटेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है एनालिसिस का, कि हम एनालाइज करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, हमारा जो कैपेबिलिटीज हैं, कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है उनका, ये सब चीजें हमें देखनी होती है, कौन सा लैंग्वेज यूज करना है। देन डिजाइन, हम एक फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं कि ये जो है वो कि क्या हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस फॉर्म में हमारी डिलीवरी होनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह, ये सब सारी चीजें। देन वी हैव टू डेवलप, उसके बाद हमें डेवलप करना, एक्चुअली डेवलप करना है आईसीटी, सॉरी कोई किसी भी ई कंटेंट को, एंड देन इम्प्लीमेंट करना है, एंड देन इवेल्युएट करना होता है। तो अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि जैसे ये प्रेजेंटेशन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने डेवलप किया है, ये भी एक ई कंटेंट है। इसमें मैंने क्या किया कि इसमें सबसे पहले मैंने एनालाइज किया कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन क्या होगा, कौन से लोग होंगे, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, क्या किस चीज़ पे मुझे सेशन लेना है, ये सब मैंने एनालाइज किया। और फिर लैंग्वेज क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, एंड देन फिर मैंने डिजाइन किया कि बेसिक एक लर्न फ्रेमवर्क क्या होगा, कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होगी, डिलीवरी का फॉर्मेट क्या होगा, क्या क्या चीजें मैं इसमें इंक्लूड करूंगी, एंड देन मैंने डेवलप किया ये प्रेजेंटेशन। एंड देन उसके बाद अभी राइट नाउ आई एम इम्प्लीमेंटिंग, मैं आप लोगों पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ ये, मैं आप लोगों को ये दिखा करके और सेशन ले रही हूँ। एंड देन इवैल्यूएशन कैसे होगा, मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगी सवाल, या फिर आप लोगों को एक इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और या लास्ट में मैं पूछूंगी आप कि आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं है, आप लोग कुछ उसमें से हो सकता है मुझे बताएंगे, या फीडबैक आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोगों को फीडबैक देना है किसी बाद में, आई थिंक लास्ट डे, तो आप लोग उसमें फीडबैक देंगे अपना। तो वो एक तरह से इवैल्यूएशन होगा कि क्या आप लोगों ने इसी कंटेंट के माध्यम से सीखा। नेक्स्ट प्लीज। अब ये कुछ सोशल साइंस के टूल से, मैंने इन जनरल सोशल साइंस लिखा है, ज्यादातर इसमें ज्योग्राफी के ही आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला जो है ये भुवन है, भुवन ने एक जियो पोर्टल है डेवलप किया हुआ, उसके इसरो ने डेवलप किया है, तो वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। देन मार्बल केडी है, केडी इज अ कंपनी जो बनाती है, और ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है मार्बल, इसमें आप रोटेटिंग अर्थ दिखा सकते हैं, भुवन में भी आप रोटेटिंग अर्थ दिखा सकते हैं। देन उसके बाद मार्बल में अभी बहुत ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए होते हैं ग्लोब के फॉर्म में, या फिर आप सिंपल जो मैप होता है 2D उसके फॉर्म में ऑलरेडी बने हुए उसमें बहुत सारे होते हैं मैप्स वगैरह, तो आप वो सब दिखा सकते हैं, थीम बेस्ड होता है। देन उसके बाद गूगल अर्थ है, गूगल अर्थ हम में से कई लोगों ने यूज किया होगा, उसमें भी रोटेट करके, और ये सब इंटरैक्टिव है, आप खुद से भी करके दिखा, खुद से भी कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर ई कंटेंट बना सकते हैं, आप क्लास में इसको दिखा के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी। देन यू हैव क्यूजीआईएस, क्यूजीआईएस एक ये भी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें कि बहुत सारे फीचर्स हैं, मैप बना सकते हैं, कुछ फीचर्स अब अलग अलग तरह से उसमें डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब चीजें। देन ट्रोफी है, ट्रोफी में क्या है कि बहुत सारे पिक्चर्स हैं, हालांकि इसमें जब मैं सोशल साइंस की करती हूँ तो इसमें ज्यादा आपको सूटेबल है ज्योग्राफी के, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए, ज्योग्राफी के पिक्चर्स आपको गूगल अर्थ वगैरह में मिल जाएंगे, ट्रोफी में भी होते हैं, और ट्रॉफी जो है एक ऑनलाइन लाइब्रेरी काइंड ऑफ थिंग है। देन वी हैव windy.com, windy.com जो है वो उसमें रियल टाइम जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, सिचुएशन है, वो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाई देगा। देन यू हैव स्टेलारियम, स्टेलारियम जो है वो भी एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इसको किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं
और उसके बाद फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। और इसमें रियल टाइम जो अभी आपका स्पेस में जो भी सेलेस्टियल बॉडीज का, जो भी प्लैनेट्स का, स्टार्स का जो लोकेशन है, उसकी कंडीशन, वो आपको उसमें दिखाई देता है। तो ये जो है दिन में अभी तो हम नहीं देख सकते, बट अदरवाइज आप स्टेलारियम के थ्रू आप रियल टाइम अभी आसमान में क्या क्या दिख रहा है वो आप दिखा सकते हैं, पोजिशन वगैरह सब आप दिखा सकते हैं। देन यू हैव सुटोरी। सुटोरी जो इसमें लेसन प्लान्स होते हैं अलग अलग स्टेजेस के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो एज अ टीचर आप इसमें से देख सकते हैं किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाए, ये इसमें मिल सकता है आपको। देन फ्लाइट रडार 24.com है, इसमें रियल टाइम जो फ्लाइट की जो उसका जो ट्रैफिक है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मूवमेंट किस तरीके से किधर जा रहा है वो इसमें मिलता है। हम डे टू डे भी कभी ट्रैवल करते हैं तो वी यूज इट फ्लाइट रडार 24.com की, वहां पे जो है वो क्या सिचुएशन है और हमें कितने देर में हम लैंड करेंगे और कितना ट्रैफिक है, ये सब पता चलता है। अदरवाइज जब हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो जब हम ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करते हैं तो उसमें ये हेल्पफुल होता है फ्लाइट रडार 24.com। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर है, इसमें गूगल में ही जा गूगल का ही है ये। और जब हम अपना जीमेल खोलते हैं तो उसमें जो डॉट्स साइड में आते हैं जिससे हम खोल के अपना गूगल ड्राइव में जाते हैं, उसी में जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे उसमें ऑप्शंस आते हैं और उसमें से हम अपना ड्राइव वाला जो ऑप्शन है वो चूज करते हैं। तो उसी में गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, इसमें बहुत सारे आपको फोटोग्राफ्स, आपको पुराने पेंटिंग्स मिल जाएंगे, आपको म्यूजियम मिल जाएगा। तो आप कभी अगर वर्ल्ड टूर या ट्रैवल एंड टूरिज्म अगर स्पेशली पढ़ा रहे हैं तो आप इसमें गूगल आर्ट्स एंड कल्चर में जाके कल्चरल कैसा सेटअप था, जब हम ज्योग्राफी के बारे में भी, जब पॉपुलेशन कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें ये हम उस तरीके से यूज कर सकते हैं, और किसी भी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए। देन गूगल कार्डबोर्ड है, इसमें वीआर वर्चुअल रियलिटी के थ्रू कैसे करते हैं वो देख सकते हैं। देन वी हैव अदर जेनरिक टूल्स जिसमें कि ओपन शॉट वीडियो एडिटर है, ऑडेसिटी है, कैनवा है, एनिमेशन टूल्स हैं अलग अलग, ये सब उसमें हम अदर जेनरिक टूल्स जो है उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ भी हम अगर कंटेंट बनाते हैं तो ये सब टूल्स हम यूज करके उसको अच्छे से हम बना सकते हैं अपने ज्योग्राफी के किसी भी ई कंटेंट को। देन गेम्स हैं, गेम्स के लिए हम नेशनल ज्योग्राफिक जो है उसमें है गेम्स, जियो गेसर है, गूगल आर्ट एंड कल्चर में भी गेम्स हैं कुछ कुछ तरीके के, तो वो सब को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को अगर कंप्यूटर लैब में ले जा करके आप उन लोगों को गेम खिला सकते हैं, तो बहुत सारे गेम्स भी हैं ज्योग्राफी के ऑलरेडी उसमें बने हुए हैं, आप भी अपना गेम बना सकते हैं। देन सॉन्ग्स हैं बहुत सारे रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, और जैसे हमें इसमें जैसे मैंने लिखा है कि मिरांडा जो है, मारियान मिरांडा, उन सबके जो नेचर सॉन्ग्स था उससे रिलेटेड जो है बहुत फेमस है, मारियास एंड मिरांडा के नेचर सॉन्ग्स बहुत पहले बने थे, आई थिंक 80s में बने थे या उसके उसके भी पहले बने थे। और ये जो है अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने सॉन्ग बनाए हैं। अभी भी जैसे हम स्कूल में होते हैं तो बच्चों को सॉन्ग्स हम बनाते हैं और उनको कविताएं पढ़ने, पाठ करने को बोलते हैं, तो उसमें ज्योग्राफी की कुछ चीजों के हम कविता बना सकते हैं या पोएम्स बना के उनको सॉन्ग के फॉर्म में या इनैक्ट करा सकते हैं और उनको इस तरह से इंटीग्रेट या दिखा सकते हैं। तो इस तरह से चीजें जो हैं वो इंटीग्रेट हम कर सकते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग में ज्योग्राफी के। और जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे जो हमारे लोकल जो सॉन्ग्स हैं, मेरे ख्याल से उसमें भी कई जगह डिस्क्रिप्शन होगा, ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होगा उस जगह का या कल्चर का जब हम बात करते हैं। तो जैसे मुझे ध्यान आ रहा है एक सॉन्ग है कंदीसा, एक एल्बम आया था जो पीपली लाइव में जिन लोगों ने एक गाना दिया है बनाया था उस मूवी में, महंगाई डायन खाए जात है वाला जो है, सखी सैया तो खूब ही कम आते हैं वाला जो गाना है, वो जिन लोग जिस बैंड ने बनाया है उसी का एक उस कंदीसा उस बैंड का नाम, इंडियन ओशन, सॉरी इंडियन ओशन नाम है उस बैंड का, और उन्होंने एक एल्बम बनाया था कंदीसा। तो उसमें एक गाना है बड़ा अच्छा है कि मा रेवा थारा पानी निर्मल कल कल बह तो जायो रे, तो रेवा नर्मदा रिवर को भी कहते हैं, तो फिर अमरकंठ से निकली है रेवा जन जन की करती है सेवा, ऐसे कुछ करके एक सॉन्ग है। तो इस सॉन्ग के थ्रू ये बताया है कि अमरकंटक प्लाट्यू से निकलती है नर्मदा रिवर और बहती है,
और नर्मदा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है सेंट्रल इंडिया की और उस पेनिनसुलर इंडिया की उस रीजन की, तो जिसपे सरदार सरोवर डैम भी बना है और काफी उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है और बहुत ज्यादा बहुत सारे वो दो तीन स्टेट से गुजरती है और उस पर डैम बना है और बहुत सारे लोगों को वो एग्रीकल्चर के लिए और अलग अलग चीजों के लिए वो पानी उससे हम लोगों को मिलता है, तो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रिवर है, तो उस पे बेस्ड एक गाना है। और जैसे कि जब हम रोपते हैं धान की रुपाई होती है तो उस समय पहाड़ों में भी और अपने प्लेन्स में भी उस समय महिलाएं जो हैं वो एक गीत गाती हैं, गाना गा के वो लोग रोपनी जिसको कहते हैं कि वो लोग रोपती हैं धान, तो उसमें भी बहुत सारा जो कल्चर जो है, हम जब ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो कल्चर के बारे में बात करते हैं, तो वो कल्चर जो है उसमें पूरा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ रहता है और कि कैसे जो लोग हैं वो करते हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं आसपास की चीजों के बारे में, तो उस तरीके की चीजें जो है हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने टीचिंग लर्निंग में, रिकॉर्ड करके बच्चों को सुना सकते हैं या दिखा सकते हैं उन चीजों को, वीडियोस वगैरह भी हम बना सकते हैं। तो ये चीजें जो हमारे आसपास हो रही हैं या कुछ जो हमारे फोक सॉन्ग्स जो हैं उसमें एक्सप्लेनेशन रहता है बहुत सारी चीजों का, कहावतें हैं मुहावरे हैं, उन चीजों के थ्रू भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग में, और आईसीटी के फॉर्म में रिकॉर्ड करके या उसके फॉर्म में हम किया जा सकता है। देन वी हैव ये हो गया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये जो है आपको दिख रहा, मैंने स्क्रीनशॉट्स कुछ रखे हैं सो दैट आप थोड़े यूज टू हो जाएं। इसमें क्या है कि भुवन जो मैंने बताया ये जियो पोर्टल है इसरो का और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, भुवन 2D है जैसे ये आपको दिख रहा है, भुवन 3D है, देन ओपन डेटा आर्काइव है, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि आप यूज करके आप पढ़ा सकते हैं। एंड देन वैसे ही भुवन 3D है, इसमें आप 3D पे जाएंगे तो वो रोटेटिंग उसमें अर्थ दिखाई देगा और 2D में मैप के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसमें ये जो मैंने एनसर्कल किया हुआ है इसमें बहुत सारे ऐसे स्लाइडर्स हैं, इसमें आप खोलेंगे तो आपको दिखेगा, और ई गवर्नेंस है इसमें, टूरिज्म है, अर्बन है, रूरल, ये सब सारी चीजें हैं ये इसमें स्लाइडर्स हैं और आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, खोल के देख सकते हैं। और वैसे ही थीमेटिक सर्विसेज आपको दिख रहा है, थीम बेस्ड उसमें आप मैप बना सकते हैं, ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। और ये भुवन जो है इसमें सारा जो डेटा है वो गवर्नमेंट का डेटा जो गवर्नमेंट देती है वो इसमें है, और आप इसको खोल करके और यूज कर सकते हैं मैप वगैरह बनाने के लिए, बहुत आसान है, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे। आई थिंक हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊं, तो बट आप लोग इसके थ्रू आप एक्सप्लोर करेंगे आप एकदम आसानी से जाने, बहुत ही आसान है इसको एक्सप्लोर करना। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो है ये मार्बल KD है, इसका स्क्रीनशॉट है और यहाँ मैंने एनसर्कल किया हुआ इंस्टॉल वाले पे, इसको आप क्लिक करके वो आप मोबाइल में और किसी भी डिवाइस पे आप इसको डाउनलोड करके और यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखिए इसमें जो है बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं जो मैंने दिखाए हैं, अभी देखिए इसमें एटलस है, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एटलस है, ओपन स्ट्रीट मैप है, सैटेलाइट व्यू है, बहेम ग्लोब है, 1492 का, ये हिस्टोरिकल हिस्ट्री के लोग यूज करते हैं इसको करने के लिए, हम भी जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स करते हैं या वर्ल्ड पहले जो था कंट्रीज कैसे थे जब हम उसकी बात करते हैं तो वर्ल्ड की, तो ये सब उसमें डाल सकते हैं, अर्थ एट नाइट, हिस्टोरिकल मैप 1689 का है ये, तो पॉलिटिकल मैप, ये सब इसमें ऑलरेडी मैप्स बने हुए हैं और चूंकि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है तो आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये देखिए ये गूगल अर्थ है, हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा इसको, और इसमें क्या है कि ये जो आप खोलेंगे तो ऐसा खुलेगा वेबसाइट, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में से सर्च, वॉयजर, प्रोजेक्ट्स, मैप स्टाइल, फोटोज, ये सब दिया हुआ है, और ये राइट साइड में आप राइट साइड में एकदम नीचे में कॉर्नर में आप देख सकते हैं 3D है और ऐसे वो बनाया हुआ है कि कैसे मतलब नॉर्थ पॉइंट करने का और ये सब चीजें दी हुई, जूम इन जूम आउट करने का, तो ये जो एनसर्कल जो मैंने किया हुआ है ऑप्शंस जो है इसमें ये सर्च, वॉयजर, वॉयजर वगैरह मैंने आपको बहुत सारे ऑलरेडी जो है ई कंटेंट आपको मिल जाएगा,
और फोटोज में भी आपको ऑलरेडी बहुत सारे सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग फीचर्स के। वॉयजर में भी आपको छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी मिल जाएंगे, और जैसे सी लेवल कैसे राइज किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और पहले कैसा था अभी कैसे कोई चीज है, डिफॉरेस्टेशन, आपको बहुत सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये देखिए इसमें जैसे दिया हुआ है, मैंने गूगल अर्थ का वॉयजर खोला, ये आपको इनसर्कल किया हुआ दिख रहा है वॉयजर में, ये मैंने देखिए जो खोला तो मैं बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं, नेचर से रिलेटेड गेम्स हैं इसमें, देन लेयर्स स्ट्रीट व्यू, कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, देन ट्रैवल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसमें बहुत सारे ये थीम्स दिए हुए हैं आपको, एन नंबर ऑफ फोटोग्राफ, बहुत ही सुंदर सुंदर, जो भी हम फीचर्स पढ़ाते हैं ज्योग्राफी में कि कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे अलग अलग लैंड फॉर्म्स के, वो सब जैसे इसमें आपको दिख भी रहा है 3D इमेजरी इन गूगल अर्थ, वो पूरा स्ट्रीट व्यू दिखाई देगा, टाइम लैप्स इन गूगल अर्थ, अभी देखिए टाइम लैप्स में आप क्लिक करेंगे ना तो आपको वीडियो फॉर्म में टाइम लैप्स तो कैसे कैसे जो है ये वाटर बॉडी श्रिंक की है वो दिखाई देगा आपको, डिफॉरेस्टेशन हुआ है कैसे, देन यूजमाइट नेशनल पार्क का आपको फोटोग्राफ, इसे बहुत अच्छा बहुत सब कुछ फीचर्स ऑलरेडी दी हुई है आपको, बस इनको यूज करना है, और ये चूंकि ऐसे ही दी हुई यू कैन यूज इट, बस आप इसको क्रेडिट दे दे करके आप वीडियो में भी यूज कर सकते हैं, आप अपनी क्लास में इसको खोल के दिखा सकते हैं, बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ्स छोटे छोटे वीडियोज ये सब इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखिए क्यू जी आई एस का स्क्रीनशॉट है, क्यू जी आई एस भी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी डाउनलोड करके आप इसमें मैप बना सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ कुछ इसमें भी फीचर्स हैं आप खोल के एक्सप्लोर कर सकते हैं आराम से, थोड़ी मेहनत करनी होगी, देखिए हर चीज, अब ये सब जैसे मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दे रही हूँ, आप थोड़ा खोल के एक्सप्लोर करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें, कुछ तो हो सकता है आप कुछ दिन में मुझसे ज्यादा ही जान जाए, तो इट एंटायरली डिपेंड्स कि आप कितना उस चीज को एक्सप्लोर करते हैं और कितना थोड़ा अपने हैबिट में लाते हैं टीचिंग लर्निंग में, तो वो आसानी से वो चीजें हो जाती हैं, बस प्रैक्टिस की थोड़ी जरूरत होती है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो है मैं जैसे बोल रही थी ट्रॉफी है और windy.com है, ट्रॉफी जो है मैंने बताया था कि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे पिक्चर्स हैं, तो एक ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी की तरह, तो फोटो लाइब्रेरी की तरह हम इसको एल्बम की तरह यूज कर सकते हैं, देन वी हैव यहाँ पे windy.com, तो windy.com जो है इसमें रियल टाइम इसमें जो दिखता है क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो इसमें दिखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी स्टेलेरियम के बारे में मैं बात कर रही थी कि रियल टाइम जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उन सब का हम देख सकते हैं कि पोजीशन क्या है प्लैनेट्स की, और जितने भी ये सब बॉडीज हैं सारी, प्लैनेट है, स्टार है, कुछ भी सैटेलाइट भी दिखता है कई बार, अभी खोलेंगे तो हो सकता है यहाँ पे सैटेलाइट ऊपर से मूव कर रहा हो तो वो भी आपको दिख जाएगा, और थोड़े से उसके इंफॉर्मेशन भी उसके बारे में रहता है, तो ये आप अपने मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे मोबाइल पे भी, और बड़ा मजा आता है देखने में कि अभी अभी क्या वहाँ पे हमारे किसी को इंटरेस्ट हो एस्ट्रोनॉमी में तो वो देख सकते हैं स्पेस से रिलेटेड चीजों में, देन सूटोरी जैसे मैंने बताया इसमें लेसन प्लान्स हैं बहुत सारे टीचर्स के लिए, तो हेल्पफुल होता है कि आप किसी टॉपिक को कैसे अप्रोच करते हैं वो देखने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। देन वी हैव फ्लाइट रडार 24.com, ये इसमें देखिए जैसे उसमें दिख रहा है ये येलो येलो जो है वो सारे फ्लाइट्स हैं रियल टाइम जो है वो उसमें दिखते हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, देन यू हैव गूगल आर्ट एंड कल्चर, तो इसमें क्या है कि गूगल आर्ट्स एंड कल्चर में जैसे मैंने बताया कि वो जो डॉट डॉट होता है हम जब अपने जीमेल का अकाउंट खोलते हैं उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे हमारे पास गूगल ड्राइव का उसमें का आइकन दिखाई देता है, उसी में नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो देखिए आपको गूगल अर्थ भी दिख रहा है यहाँ पे बना हुआ गोल सा ब्लू ब्लू सा, गूगल अर्थ लिखा हुआ उसके नीचे, एंड देन आर्ट्स एंड कल्चर है उसमें भी लिखा हुआ, और उसमें आर्ट्स एंड कल्चर में आपको बहुत सारे जैसे मैंने बताए थे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, 360 डिग्री वीडियोज हैं बहुत सारे जगहों के, देन स्ट्रीट व्यू है अलग अलग प्लेसेस का, देन आर्टिस्ट है, ये सब तो मतलब वैसे आप यूज कर सकते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह जो हैं वो सब इसमें दिए हुए हैं आप देख सकते हैं इसमें, देन यू हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये गूगल कार्डबोर्ड है, ये वीआर जो हम कहते हैं जिसे वो वीआर से रिलेटेड है, और इसमें एक कार्डबोर्ड जैसा आता है और उसमें कुछ मिरर वगैरह लगा होता है, और आप अपना मोबाइल फ्रेंडली मोबाइल उसमें डाल के आप वीआर का फील ले सकते हो, ये सबसे पहला सेट था
जो कि वीआर के लिए यूज होता था, अब तो बहुत सारे और बहुत रेंज भी आ गया है वीआर हेडसेट्स का, तो सस्ता से लेके बहुत महंगा तक भी है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला डिवाइस है जो वीआर के लिए गूगल ने निकाला था, और इसमें वीआर होम में आप वीआर होम जो लिखा हुआ आइकन जहाँ पे गूगल अर्थ वीआर और ये सब वो यूज करके आप इसमें फीचर्स देख सकते हैं। हालांकि अब वीआर सेट्स भी आ गए हैं बहुत सारे, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास हो भी, अगर इंटरेस्ट हो तो आप ये भी एक तरीके का भी कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, गूगल अर्थ में आपको कुछ एआर और वीआर कुछ मतलब वर्चुअल रियलिटी से लगेगा कि एक्चुअली आप वहां पहुंच गए हैं, तो इतने सुंदर वीडियोस हैं उसमें दिए हुए शॉर्ट क्लिप, और आप खुद से भी बना सकते हैं आप उसमें जाके गूगल अर्थ वीआर एक आप टाइप करेंगे तो उसमें आप जाके खुद भी बना सकते हैं उस तरीके के वीडियोस क्लिपिंग्स, आप उसमें से रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप स्क्रीन में चला लीजिए और उसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट प्लीज अनीता, कैन यू चेंज, अच्छा हाँ थैंक यू। देन ये जो है नेशनल ज्योग्राफिक ज्योग्राफिक जो है उसके बहुत सारे फीचर्स है इसमें, नेशनल ज्योग्राफिक किड्स में, उसमें ये जो मैंने एनसर्कल किए हुए उसमें बहुत सारे गेम्स दिए हुए हैं, तो गेम्स हैं, वीडियोस हैं, एनिमल्स हैं, एक्सप्लोर मोर करके भी ऑप्शन है, तो इसमें भी जाके आप गेम्स ऑलरेडी बने हुए हैं वो आप अपने कभी भी स्टूडेंट्स को अपने कंप्यूटर लैब में ले जाकर के आप खिला सकते हैं। तो गेम्स एक अच्छा तरीका है असेसमेंट का भी, और इंटरेस्ट जगाता है बच्चों को, हम सब गेम खेलना चाहते हैं, और तो उसमें क्या है कि इसमें जाके अगर वो खेलते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो उसको बहुत वैरायटी हो जाती है उसमें, और वो अलग तरीके से अप्रोच करता है ये किसी भी टॉपिक को, तो वो उसमें कर सकते हैं आसानी से। देन यू हैव दिस एक जो जियो गेसर, वो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे प्लेसेस हैं, कैपिटल्स हैं, अलग अलग उसमें लोकेशंस को लेकर के इसमें गेम्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गेम्स है वो आप उनको दिखा सकते हैं, और यू कैन क्रिएट योर ओन गेम ऑल्सो। नेक्स्ट प्लीज, अब देखिए गूगल आर्ट एंड कल्चर जैसे मैंने बताया था उसमें होम पे आप जाइएगा तो वही जो डॉट्स जो थे वो छ 9 ऐसे कोई डॉट्स जो बने हुए थे जीमेल में, तो उसमें आप ओपन करेंगे तो इसमें होम पे आप जाएंगे तो पिक अ गेम टू प्ले, इसमें कोई सा भी गेम आप उस पिक करके और स्टूडेंट्स को खिला सकते हैं, पजल वगैरह भी है इसमें, जियो आर्ट वर्क से रिलेटेड है ये सब, आप इसमें कुछ कुछ गेम्स हैं और भी बहुत सारे हैं, बट ज्योग्राफी से रिलेटेड ये कुछ गेम्स हैं, आप इसमें और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आप खिला सकते हैं, और इस तरीके के आप खुद भी गेम बना सकते हैं, जैसे एक्सप्लोर है, प्ले है, ये सब चीजें जो है प्ले में जाके आप गेम भी खिला सकते हैं, तो इस तरह की चीजें जो है वो अवेलेबल है ऑलरेडी हमारे पास, और वी जस्ट हैव टू यूज, हम सबको बस यूज करना है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट प्लीज, अच्छा ये कुछ ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो कि दिए हुए हैं और आप इनको यूज कर सकते हैं, ये एक्चुअली सीआईटी की जो एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है एनसीईआरटी का, उसमें प्लेलिस्ट में जाके वेबिनार आईसीटी टूल्स में ये बहुत सारे टूल्स जो कैसे हम एक्सप्लोर करेंगे ये उनके वीडियोज हैं इसमें दिए हुए, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जाकर के। और नेक्स्ट प्लीज, और कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने इसमें दिए हुए हैं, आप इन सबको जाकर के पढ़ सकते हैं, और आप कैसे इंटीग्रेट करना है आईसीटी को टीचिंग लर्निंग में अपने, और ज्योग्राफी की टीचिंग लर्निंग में वो यूज कर सकते हैं, और हमारा तो ज्योग्राफी में जो है वो जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग है, एंड आई थिंक ज्योग्राफी जो है सोशल साइंस के वन ऑफ द ऐसा सब्जेक्ट्स है जो कि जिसमें हम काफी टाइम से हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, हम जीपीएस यूज करते हैं, हम करते आए हैं, और इनफैक्ट हम जो है बाकी तो टेक्नोलॉजी, हम जब सर्वे चेन एंड टेप सर्वे और ये सब टेबल वाला सर्वे ये सब जब हम करते थे, हमने जब पढ़ाई की थी वो सब भी टेक्नोलॉजी है। हाँ आईसीटी जो है वो हमने जीआईएस और जीपीएस के थ्रू यूज किया करना, तो बाकी और सोशल साइंस सब्जेक्ट से मुझे लगता है काफी पहले हमने आईसीटी का इंटीग्रेशन शुरू कर दिया था अपने टीचिंग लर्निंग में थ्रू जीपीएस जीआईएस और इन सब के यूज से, और जो हम जीआईएस सॉरी गूगल मैप जो यूज करते हैं कहीं भी जाने के लिए, तो वो सब क्या है, वो इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी ही तो है, और ज्योग्राफी इज नोइंग अबाउट योर
मतलब नोइंग अबाउट ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, नोइंग अबाउट योर सराउंडिंग, योर एनवायरनमेंट, और जो भी लोग हैं उनके बारे में जानना. तो आई थिंक ये जो गूगल मैप है वो एक बहुत अच्छा टूल है हमारे ज्योग्राफर्स के लिए, कि हम जैसे स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि ग्रुप बना के बारी बारी से हम उनको दे सकते हैं कि वो आप गूगल मैप में जा करके और अपने जो जहाँ लोकेशन है, जहाँ पे एग्जैक्टली स्कूल, वहां पे आप कैसे कैसे उनका, आप उनको बोल सकते हैं गूगल मैप के थ्रू आप उसको रिकॉर्ड करके या जाके आप पॉइंट करके और एक मैप बना लीजिए. ऐसा तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट गूगल मैप के थ्रू भी हेल्प करके आप कर सकते हैं, या गूगल मैप के थ्रू किसी भी आसपास के जगह को वो करके और उसके डिस्टेंस का कैलकुलेट करो, और उसके बाद फिर उसका एक छोटा ऐसे बना लो आपकी कहाँ कहाँ पे कुछ टूरिस्ट प्लेस या कुछ अच्छा, कुछ ऐसे म्यूजियम या कुछ आपके घर के सॉरी स्कूल के आसपास इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं वो आप उनको एक उसमें देख करके और आप बताओ, बोलो कि आप उनको ले जा सकते हैं, और या फिर आप उनको गूगल मैप के थ्रू वो करा के और बोलो कि आप खुद से ड्रॉ करो फिर उसी को देख करके, और थोड़ा और उसको और मैप को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो, तो वो उसमें ड्रॉ करेंगे चार्ट पेपर पे मैप को देख करके, और फिर जैसे म्यूजियम है तो म्यूजियम का फोटो ड्रॉ करेंगे, और ऐसे करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ग्रुप एक्टिविटी में आईसीटी को, और आईसीटी के थ्रू आप एक कोलैबोरेटिव लर्निंग भी आप अदरवाइज भी मैप चार्ट पेपर पे आप बनवा के आप कर सकते हैं इस तरीके से इंटीग्रेट. मतलब बहुत सारे तरीके हैं इंटीग्रेट करने का आईसीटी. कुछ मैंने आपको दिया कि आप ऑलरेडी हमारे पास गूगल अर्थ में और बाकी सब चीज भुवन वगैरह में बहुत सारे बने हुए मैप्स मिलते हैं, और आप बहुत फीचर्स, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज हैं जो आप उसमें दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को, अपने 3D ऐसे रोटेटिंग अर्थ आप दिखाएं, कितना इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप पढ़ा रहे हैं कि हम वेस्ट टू ईस्ट जा सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट जा सकते हैं, तो पृथ्वी जो है वो गोल है, आप किधर से भी मूव करेंगे तो आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं, देन की पृथ्वी अपनी जगह पे टिल्टेड है और डे एंड नाइट कैसे होते हैं, तो आप उनको घुमा दे, जैसे हम लोग ग्लोब से देखते थे, हम लोगों ने ग्लोब से पढ़ाई की है, बट कई बार वो अंधेरा करके नहीं दिखा सकते थे, तो आप इसमें दिखा सकते हैं, और एक एनवेलप है, ये सब सब उसमें दिख जाएगा कि एटमोस्फेयर एक एनवेलप के फॉर्म में, एक चादर के फॉर्म में पृथ्वी के किनारे किनारे रहता है, तो ये सब चीजें आसानी से उसमें दिख जाती हैं, हम दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को. और ये है कि आईसीटी का एक अच्छा और तरीका ये होता है कि वो एक्टिव लर्निंग पे भी फोकस करता है. एक्टिव लर्निंग यानी कि जो स्टूडेंट्स को भी आप बुला के उनको बोलो कि आप रोटेट करके दिखाओ, आप मैप बन रहा है तो आप कैसे उसको भी बोल सकते हैं आप क्लिक करके दिखाओ, या बारी बारी से ग्रुप में मैप बना के दिखाओ ऐसे करके ना, तो ये सब चीजें जो हैं वो इंटीग्रेट इस तरीके से हम कर सकते हैं आईसीटी को टीचिंग लर्निंग में इफेक्टिवली. बस ध्यान ये देना है कि वो पैरेलल नहीं होना चाहिए, कि आईसीटी एक तरफ है उसका इंटीग्रेशन जरूरी है, आप जब कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे आप उसको समाहित कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बस एक दिखा दिया और उसका जो हम पढ़ा रहे हैं उससे हम उसको इंक्लूड करके हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं उसमें, तो वो इंक्लूड करना, कैसे आप इंक्लूड कर रहे हैं आईसीटी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से टॉपिक में जरूरी है. जरूरी नहीं कि हर टॉपिक में हम आईसीटी इंटीग्रेट करें, बट कुछ कुछ टॉपिक्स में अगर हम करते हैं तो बहुत इफेक्टिव तरीका हो जाता है. जैसे आप वोल्केनो का बता रहे हैं, वोल्केनिक इरप्शन का बता रहे हैं, अगर आप उनको एक वीडियो दिखा देंगे वोल्केनो का, तो कि लावा कैसे फ्लो कर रहा है, वोल्केनिक इरप्शन कैसे हो रहा है, अलग अलग टाइप के वोल्केनोज जो आप उनको पिक्चर्स दिखा दें, कलरफुल पिक्चर्स, कितना सुंदर लगेगा, बुक्स में तो ऐसा होता नहीं है, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और समझने में भी आसानी होगी. तो ये हो गया, ये सारा आपको ये प्रेजेंटेशन आपको शेयर हो जाएगा, मैं आपके जो कोऑर्डिनेटर है मैं उनको शेयर कर दूंगी, हालांकि मैंने अनीता के साथ शेयर कर ही दिया है, तो आपको मिल जाएगा ये जो है प्रेजेंटेशन, आप उसमें से देख सकते हैं जो भी चीजें चाहें यूज कर सकते हैं, बाकी किसी को क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए. मैम, एक चीज पूछना था, AR और VR का फुल फॉर्म क्या हुआ? सर AR है ऑगमेंटेड रियलिटी, और VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी. अब ऑगमेंटेड रियलिटी का ऑगमेंटेड मतलब कि किसी चीज को ऑगमेंट करना, बढ़ा देना, मतलब एनहांस कर देना, तो जब जैसे अगर अभी मैं दिख रही हूँ आपको,
अगर मैं इसमें अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि आपको मेरे पास ऐसे अर्थ दिखने लगे, है मैं बैकग्राउंड में मैं हूं और मेरे आगे अर्थ दिखने लगे, एक ना वो दिखने लगे कुछ अलग, कोई कोई भी यहाँ पे फीचर आ जाए तो, या कोई टेबल आ जाए या कोई मैप आ जाए, तो वो क्या होता है, वो ऑगमेंट उसको कहते हैं, कि मतलब वो बढ़ गया, वो कोई चीज जो है वो उसका एनहांसमेंट हो गया, एक और लेयर, एक और चीज जो है वो बढ़ गई जब मैं दिख रही हूँ तो, ठीक है। और जी ऑगमेंटेड रियलिटी में रियलिटी जो होती है, मतलब जो मैं हूँ रियलिटी में ऐसी जो दिख रही हूँ स्क्रीन पे आपको, वो वही रहेगा, या आपके आसपास की जो चीजें वही रहेगी, उसमें से आपको कुछ एक अलग फीचर आ, जैसे आप अपने कमरे में बैठे हैं, आपका आसपास जो भी टेबल चेयर है दरवाजा है या कुछ भी है, तो जमीन पे आपको समझ लीजिए कि एक हाथी दिखने लगे, या हवा में आपको दिखने लगे कुछ तितली दिखने लगे, आईसीटी के तहत मतलब ऐसा कुछ हो जाएगी, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी हो जाएगी, कि रियलिटी तो है ही बट उसमें कुछ ऑगमेंट हो गया, कुछ एनहांस हो गया, कुछ अलग चीज उसमें ऐड हो गई। अब ये हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी। और वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, कि वो रियलिटी ही आपको वर्चुअली दिखाई देती है, मतलब जब आप वो लगा लेंगे किट लगा लेंगे, तो आपको जो आसपास जो आपके एक्चुअल रियल वर्ल्ड में जो है वो आपको फील नहीं होगा, आपको वो कैमरा सा जो एक वो हेडसेट जो होता है उसमें आपको कुछ मूवी चल रही है, कुछ वीडियो लग रहा है आवाज के साथ, आपको फील के साथ, तो आपको लगेगा कि आप उसी में हैं, मतलब रियलिटी ही अलग हो जाती है। तो वर्चुअल एक वर्चुअली मतलब डिजिटल फॉर्म में वर्चुअल एक रियलिटी क्रिएट हो जाती है, तो उसको वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, सिंपल टर्म्स में यही है। ऑगमेंटेड मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब रियलिटी में ही जो रियल चीज है उसमें कुछ नया कुछ चीज ऐसे आ गई, आपको अपनी फीलिंग आएगी, आपको दिखाई देगा।